गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपको फ्रैक्शन बता रहे हैं। फ्रैक्शन में देखो ये लिखा है प्रश्न का, ये कि हमने चार प्रश्न किए, चार क्वेश्चन है। 5/3 एंड 8/5 में कौन ग्रेटर है, बराबर है या लेस देन है, ये लगाना है निशान। पेपर में आता है, इसके जरा जगह बॉक्स भी दे सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, सॉल्यूशन देखो पहले का, ये लिखा है 5/3, एक तो ये दी है, दूसरी भिन्न दी है 8/5। कैसे बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो एक तरीका ये है कि 5/3 और यहाँ लिख लो 8/5 और इसको ऐसे गुणा कर दो, 5 बन गए 25, मतलब 5 × 5 कर दो और यहाँ कर दो 3 × 8, इसकी इससे गुणा इसकी कर लोगे, करो 5 बन गए 25 और 3 × 8 = 24, इसमें कौन सा अंक बड़ा है, तो इसके बीच में क्या आएगी, क्या आएगा, ये किससे आई है 5/3 से आई है और ये किससे आई है 8/5। बोलो किस किस के समझ में आए, ऐसे करना इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, 5/3 बड़ी है, भिन्न किससे 8/5। दूसरा तरीका ये है कि जो नीचे अंक दिए हैं उनकी गुणा करो कितने आएंगे, मतलब एलसीएम लोगे तो कितना आएंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब दोनों की गुणा कर लो, 3 × 5 कितना आए, 15। कितने आए 15। अब इनके हर बराबर कर लो, अंश बटे हर होता है, तो कैसे होंगे, लोगों पहले वाला ले रहे हैं कि 5/3 कितने से गुणा करें नीचे जो 15 आ जाए, 5 से 5 नीचे करोगे 5 ऊपर, इसी तरह के ऊपर देखो 8/5 15 लाना है, इसे 3 से गुणा करना है नीचे 3 से ऊपर, ऊपर कितना हो गए बोलो, 25/15 और ये 8 × 15। अब देख लो कौन सी बड़ी है, हर एक जैसे हैं, जब हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर का अंक देख लो कौन सा बड़ा है, पहले वाला बड़ा है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, ये किससे आई है, पहले वाले से 5/3 से, बड़ी होगी 8/5। बोलो किस किस के समझ में आया, थैंक यू वेरी मच।